Team Jimmy. Oh my god! बॉलर और अजीम जिमी मिड विकेट की जानब खेले, ओपनर बैट्समैन राजा और उनका साथ देंगे अजीम जिमी। यहां पर मिस फील्ड की सूरत में दो रन हासिल की मोसन जॉन। वाइड बॉल अजीम जिमी, बॉलर है मोसन जॉन। ओ यहां पर इनसाइड एज लगा मोसन जॉन। आहा कमाल का शॉट, बढ़िया शॉट, दिल का शॉट, 6 रन के लिए अजीम जिमी ऑन फायर। अजीम जिमी मोसन जॉन एक बार फिर उठाकर खेले अजीम जिमी ने 6 रन के लिए, बैक टू बैक 6 अजीम जिमी ऑन फायर। अजीम जिमी मोसन जॉन, ओ बढ़िया फ्लिक खेला 2 रन के लिए मोसन जॉन। सामने अजीम जिमी, यहां पर उड़ता हुआ शॉट देखना पड़ेगा, यहां पर देखना पड़ेगा, ओ कैच ड्रॉप किया, 2 रन। शहजाद सामने है राजा, पहला ही बॉल फुल टॉस किया, फुल टॉस का अच्छा फायदा उठाया 4 रन के लिए राजा। ओ मिड विकेट की जानब खेला 1 रन के लिए अजीम जिमी, बोल रहे हैं शहजाद। फुल टॉस बॉल जिसका भरपूर फायदा उठाया अजीम जिमी ने, अजीम जिमी ऑन फायर। पापर मंसूर का बेटा यहां पर एज लगा अजीम जिमी, बढ़िया शॉट खेल दिया अजीम जिमी ने 6 रन के लिए, पाल आउट ऑफ द पार्क, आउट हो गया जी, घर में गई आउट। अजीम जिमी बोल रहे हैं शहजाद, फुल टॉस बॉल किया, फायदा नहीं उठाया। फाइनल मैच में हर तरफ क्राउड ही क्राउड, गुल्लू सामने अजीम जिमी, यहां पर 2 रन के लिए गुल्लू बॉल करेंगे अजीम जिमी को। आहा बढ़िया शॉट खेल दिया अजीम जिमी ने 6 रन के लिए, गुल्लू सामने अजीम जिमी, यहां पर खेल दिया मिड विकेट की जाम, अच्छी फील्डिंग का नजारा। गुल्लू बॉल करेंगे आदर्श को, स्लो वन किया, गुल्लू बॉल करेंगे आदर्श को, सामने की जानब खेले, यहां पर आउट होने का चांस, कैच जाना होगा आदर्श को। गुल्लू बॉल करेंगे अजीम जिमी को, आहा कमाल का शॉट अजीम जिमी की जानब से 6 रन के लिए। मोसन जॉन सामने है मनीर, आहा क्या शॉट खेला, यहाँ पर 2 रन चला लिए, यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मोसन जॉन वाइड बॉल, मनीर मोसन जॉन है बॉलर, ओ बढ़िया शॉट, ओ व्हाट अ फील्डिंग, अच्छी रनिंग, ओ एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। मोसन चौहान भागना शुरू किया, सामने है मनीर शेरे पंजाब, मोसन चौहान उल्टा हुआ शॉट, शहबाज है फील्डर, वापस ही जा रहे मोसन चौहान। सामने अजीम जिमी मिड विकेट की जानब खेले मोसन चौहान, वाइड बॉल मोसन चौहान, मोसन चौहान लास्ट बॉल करेंगे, बोल्ड कर दिया मोसन जॉन ने। बिग क्रिश्चियन टूर्नामेंट का फाइनल होने जा रहा है, फर्स्ट ऑल फैसलाबाद क्रिश्चियन टूर्नामेंट 2021 उसका आज फाइनल मैच होने जा रहा है। तो आज के हमारे मैच रेफरी मास्टर स्किन साहब और उनके साथ बाबर मंजूर और राजू भाई और राजा टीम के एस शाह क्रिकेट क्लब के कप्तान, उसके बाद उमर यूसुफ जो है कोमा लेवल के कप्तान, टॉस टीम करेंगे उमर भाई, बॉल करेंगे जैकब राजा भाई, उमर यूसुफ, उमर यूसुफ टॉस विन किया जी, कोमा टॉस विन किया जी कोमा लेवल के कप्तान उमर यूसुफ ने, तो हम इनसे पूछते हैं कि वो पहले बैटिंग करना चाहेंगे या बॉलिंग। तो कम से कम कितने रन पर आउट करने की कोशिश करें, कोशिश यही है कि देखिए टीम की एफर्ट है, जितना टीम एफर्ट करेगी उतना रन कम मिलेगा, वैसे जो हमने सोचा कि हम 50 प्लस से ऊपर नहीं रहे। आपके पास अच्छा बॉलर है मोसन जॉन है, तो वो 25 लड़कों में सिलेक्ट भी आया, क्या कहना चाहिए कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बात है कि हमारा मोसन
सब क्रिश्चियन दोस्तों का भाई है, तो हम सब दुआ करेंगे उसके कैरियर के लिए, कामयाब करो आगे लेके, हमारी बेस्ट विशेज है उसकी। लास्ट सवाल हमारा टूर्नामेंट के मुकाबले पासवर्ड साहब और बाबर मंजूर की कल क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अच्छा जी देखिए बाबर भाई के साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, इनका बहुत शुक्रिया होना चाहिए क्योंकि जितनी एक्टिविटी में जितनी एक्टिविटी होगी हमारे यंग प्लेयर उतने ही आगे निकलेंगे और कुछ करना चाहिए इनके। बेस्ट ऑफ लक, ये थे हमारे साथ कोमल अहमद के उमर यूसुफ, उसके बाद हमारे एहतशाम क्रिकेट क्लब के कप्तान राजा भाई। जी राजा भाई, आपने टॉस तो आपके हाथ में नहीं होता लेकिन आप पहले बैटिंग करेंगे तो कितने रन बनाएंगे? हमारा टारगेट तो 70 प्लस तक है क्योंकि 5 ओवर हैं, तो 5 ओवर में विकेट के हिसाब से 70 स्कोर काफ़ी स्कोर है, तो देखिए क्योंकि अच्छी टीम है तो अच्छी टीम के खिलाफ अच्छा मैच होगा, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी कोशिश तो यही है हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छे बैट्समैन आपके पास कौन कौन से हैं जो ज़्यादा टारगेट देने की कोशिश करेंगे? हमारे पास जिमी भाई हैं, उसके बाद आशर हैं, उसके बाद मनीर भाई हैं, तो तकरीबन सभी लड़के अच्छे हैं लेकिन एक होता ही है ना कि मेन बैट्समैन हमारे तकरीबन अच्छे हैं सारे, दुआ करें तो हमारी कोशिश तो यही है कि 70 प्लस करें तो हमारे बैट्समैन ऐसी अचीवमेंट करेंगे। आपके पास ज़्यादा जो टीम में जो प्लेयर हैं वो ज़्यादा यंगस्टर आ रही हैं, तो ज़्यादा आपने यंगस्टर अपना जो खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया, क्या कहना चाहिए? हाँ तो जाहिर सी बात, अब काफ़ी देर से वो हमारे साथ चल रहे थे तो हमने भी सोचा कि यार नए लड़के हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए, तो फाइनल तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है तो उनकी भी एफर्ट है, तो हमें खुद बड़ी खुशी होगी अगर वो ये पहला हमारा ऐसा इवेंट है जिसमें हमने नए यंगस्टर्स को ज़्यादा आगे रखा है और वो मेहनत भी कर रहे हैं तो उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो आप पास्टर शकील और बाबर मंजूर के मतलब क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया क्रिश्चियनों के लिए? जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा उन्होंने एक इनिशिएटिव लेके चले हैं वो कि हमने क्रिश्चियन लड़कों को आगे लेके जाना, तो बाबर भाई की बड़ी अच्छी काबिश है, ये उनके साथ अब शकील भाई ऐड हुए तो ये पहले तो वो सोने पर सुहागा हो गया, तो हम खुद बड़े खुश हैं कि वो अब दोनों साथ में मिलकर अच्छा काम करने के लिए दुआ करते हैं। ओके, अब हम मास्टर शकील साहब से कुछ वर्ड पूछते हैं नौजवानों के लिए, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले मैं अपना यीशु मसीह के नाम इज़्ज़त और जलाल देता हूँ और इन सब लड़कों को मुबारकबाद देता हूँ जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, और हमारी दुआएं सबके साथ हैं जिन्होंने लूज़ किया और जो विन की जिन्होंने विन किया और जो अभी फाइनल खेलेंगे, इन सब के लिए हमारी दुआएं कि ये अब हमारे फैसलाबाद की शान है, ये हमारे मुल्क की शान है और मुस्तकबिल में भी ये अच्छा खेलेंगे, हमारी दुआएँ हमारा प्यार हमारी मोहब्बत में शैन के साथ है। शकील साहब, उसके बाद राजू भाई से भी हम कुछ वर्ड लेते हैं, वो क्या मतलब रखते हैं अपने क्रिश्चियन नौजवानों के लिए जज्बात? इसी यीशु में आप तमाम बहनों को भाइयों को मेरी तरफ से सलाम देते हैं, मैं आज बहुत खुश हूं कि भाई रंधावा इस इतनी सख्त गर्मी में नौजवानों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बाबरकत बात है, और दूसरी बात भाई बाबर मंसूर के लिए जिन्होंने इस इलाके में आके क्रिकेट को फिर से एक नई तशबीह दी है और फिर से आगाज़ किया है, नए बहुत सारे यंग चेहरे आज हमें नज़र आए हैं, हम इनके लिए दुआगो हैं कि खुदा हमारे तमाम मिनिस्ट्रीज जो पाकिस्तान में करते हैं खुदा इनको अकल और दनाई दे ताकि ये हमारे नौजवानों के लिए ऐसी जो क्रिकेट के मैदान हैं इनमें आते रहें ताकि नौजवानों की हौसला अफजाई होते रहें। शुक्रिया, थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ राजू भाई, बहुत ही अच्छे जज्बात रखते हैं क्रिश्चियन नौजवानों के लिए। तो टॉस लूज किया है एहतशाम क्रिकेट क्लब ने और बैटिंग की दावत दी है पोमा क्रिकेट क्लब ने एहतशाम क्रिकेट क्लब को। ओह व्हाट अ शॉट, अजीम जी भी 4 रन होंगे यकीनी। जिशान फुल टॉस, 2 रन मिलेंगे अजीम चीमी। अजीम चीमी, ओ माय गॉड, जिशान कुछ नहीं होता है ना बॉल ग्राउंड में 1-1-2-2 जिशान अजीम चीमी चल 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 ठीक है चीमी कमाल का शॉट खेला आशर, अच्छा बॉल किया यहाँ पर आशर ने, बीट हुए कंप्लीटली तौर पर शहबाज आशर, सामने है शहबाज फुल टॉस बॉल, यहाँ पर देखना पड़ेगा 4 रन के लिए उमर यूसुफ सामना करेंगे आशर का, ओ बढ़िया बॉल किया यहाँ पर आशर ने कंप्लीटली तौर पर बीट किया उमर यूसुफ को, आशर सामने है उमर यूसुफ
एक बार फिर अच्छी बॉल कम्प्लीटली तौर पर बीट आशर सामने उमर यूसुफ एक बार एज लगा दो रन के लिए उमर ने छह रन के लिए जोश चेक करिए टीम आशर बढ़िया बॉल किया यहाँ पर आशर ने उमर यूसुफ बोल रहे हैं शेर पंजाब कमाल का बॉल मनीर ओ दो रन के लिए खेल ओ बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर कैच विन द मैच कैच विन द मैच ओ कैच विन द मैच यहाँ पर बढ़िया नुकसान मनीर स्लो बन किया छह रन के लिए मनीर चल यहाँ पर देखना पड़ेगा बहुत अच्छे बच्चे ओह राजा ने ग्रेट कैच पकड़ा यहाँ पर दिलो मनीर अच्छा बॉल किया यहाँ पर मनीर ने यहाँ पर रन आउट का चांस आशर सामने है बैल बॉल आशर सामने है दिल बैल यहाँ पर खेल दिया दो रन के लिए दोनों जानब से हुटिंग होती हुई आशर यहाँ पर खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानब फील्डर मौजूद आदरिश दिल ब्रावो कमाल का शॉट खेला छह रन के लिए आशर सामने दिल काल गया यहाँ पर कट किया यकीनी चार रन होंगे आशर अच्छा बॉल किया आशर ने दो रन डबल की कॉल मिसफील्ड हुई मौसल का अजीम जिमी सामने अदील सामने की जानब खेले आशर ने कैच ड्रॉप किया या मैच ड्रॉप किया रिजल्ट आएगा थोड़ी देर बाद अदील ब्रावो बॉलर है अजीम जिमी एज लगा यहाँ पर जकी दे गेड़ा बॉल ने गेड़ा दे दिया जिमी अच्छा बॉल किया अदील बैल बॉल चौधरी आज के मेहमान खुसूसी उनके साथ पास्टर शकील और बाबर मंजूर सोत्रा साहब तशरीफ ला रहे हैं फाइनल मैच ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਵਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ ਪਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਮਾ ਟੋਲੀ ਗੁਰੂ ਭਈਆ ਗੇਮ ਛੱਤਾ ਲਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੀ ਹੈ ਐਤ ਸ਼ਾਮ ਰਾਉਂਡੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲੱਗ ਖੇਡੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਓਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਓਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ चोरी इम्तियाज और पास्टर शकील साहब टीम एहतिशाम क्रिकेट क्लब से तारफ करते हुए पूरा फैसला चोरी इम्तियाज पास्टर शकील साहब और बाबर मंजूर टीमों से तारफ करते हुए बाबर मंजूर चोरी इम्तियाज को माला पहनाते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं ते सुबह दे मेरा ख्याल है जी दो तीन दफा नहा कपड़े जिद करके आ गए मसला तो नहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही कोई चीज सही सू दसो तो बड़े एक्साइटेड है ते मैं जरूर चाहवागा कि इन्होंने मेहनत की है ये डिजर्व करते जी चोरी इम्तियाज साहब ने हमें टाइम दिया मोस्ट वेलकम एक बार फिर क्लैपिंग कर दें जी चोरी इम्तियाज साहब आप कुछ नौजवानों से कहना चाहेंगे मेरा नौजवानों के लिए पैगाम है आज मुझे बहुत खुशी है ये मेरे सब मेहमान है पहले नंबर क्योंकि मेरे गांव में आए मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि अक्सर टूर्नामेंट इस गांव में हुए हैं लेकिन काफ़ी देर से रुके हुए हैं कुछ प्रॉब्लम है लेकिन आज ये बाबर भाई की रऊफ साहब की और बादरी शकील साहब की कावश से ये आज दोबारा प्रोग्राम हुआ है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है इंशाल्लाह ताला बाबर भाई से डिस्कस होगी और नेक्स्ट जो भी इनका प्रोग्राम होगा वो इससे भी बेहतर होगा क्लैप कर देंगे।
थैंक यू, हमारी कॉमन की पूरी यकीन दानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। करेंगे अदील को, अदील ब्रावो, उठा कर खेले। यहाँ पर देखना पड़ेगा, अच्छी फील्डिंग का नजारा। अजीम चिमी बोल्ड कर दिया, अजीम चिमी ने एक ओवर 25 रन। जो जो है बॉलर सामने है, अदील दो रन, जो जो सामने अदील काल गया, यहाँ पर फिर दो रन। जो जो तीसरा बॉल करेंगे, उठाकर खेल दिया 6 रन के लिए जो जो ने, अदील ने। जो जो सामने है अदील ब्रावो, सामने की जानब खेले 6 रन के लिए अदील ब्रावो। वेल बॉल, लास्ट बॉल अदील, आज करेंगे दुआ से। कदूस 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 नहायत ही मेहरबान सच्चे जिंदा आसमानी बाप बैरोबार के खालिक और मालिक परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ आज के इस मौका के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए और इस इन खूबसूरत टीमों के लिए, इन खूबसूरत नौजवानों के लिए कि जिन्होंने यह हवा बाप आज इस क्रिकेट के टूर्नामेंट को पहले वापस नहीं पाए तकमील तक पहुँचाया। मैं दिल और दिल की गहराइयों से आए बाप आपका शुक्र अदा करता हूँ कि पहले वापस मानी आपने इन्हें हर किस्म की उस आसाइश से जो कि पहले वापस मानी ग्राउंड की सूरत में है, जो कि जवानों की सूरत में है, जो कि इंतजामिया की सूरत में इनको मुहैया किया ताकि हम सब मिलजुल कर आपके नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस बने। इस वक्त शुक्रगुजार हूँ इसलिए भी कि पूरा टूर्नामेंट जो कि अभी इख्तिताम में पहुँचने का है, तो आपका शुक्र अदा करता हूँ और मिन्नत करता हूँ जलाल से बड़े खुदावंद आप इन तमाम नौजवानों को इतनी कावश अता फरमाए ताकि ये तमाम मिलजुल कर आपके नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस बने। ये सभी कुछ मांगते और पा लेते हैं जिंदा मसीह का मुकद्दस नाम लेकर, आमीन। सबसे पहले टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के लिए क्लैपिंग की जाए। और रूफस गेल साहब भी इनके साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट को बुलाऊंगा, अजीम जिमी। अरफान भाई को मैं दावा दूंगा कि वो सामने आए। बैट्समैन अदील ब्रावो, चोरी इम्तियाज साहब आएंगे, हम उनको दावत देंगे, वो सामने आएंगे उनके साथ ट्रॉफी देंगे। तो उमर अहमद के कप्तान उमर यूसुफ का मैं दावत देता हूँ कि वो आकर अपनी ट्रॉफी वसूल करें। उमर यूसुफ अपनी ट्रॉफी का नाम वसूल करते हुए आपने हमारे टूर्नामेंट के मुताबिक बताना है कि ये क्रिश्चियन टूर्नामेंट कैसा हुआ खानुआरा में, और हमारे मेहमान खुशियों को भी हम खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला, तो क्या कहना चाहेंगे, इतनी कावज की है बाबर भाई ने भी। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान खुशी का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया, और ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है बाबर भाई, हमेशा ये करवाते रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष यही है कि ये नेक्स्ट जो टूर्नामेंट है ये इससे और अच्छा करें और खुदा इनको तफीक और क्लैप कर दें जी। अब उसके बाद आज की विनर टीम अख्तिशाम क्रिकेट क्लब, जिसके ओनर हैं बाबर मंजूर साहब, क्लैपिंग कर दें एक बार। कप्तान है राजा साहब, राजा साहब जी, राजा भाई थोड़ा सा टाइम देना आप।
आप हमारे टूर्नामेंट के मुताबिक क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा इवेंट हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया भागवत भाई और हमारे मेहमान को, बड़ा अच्छा लगा जी इस गांव में आके पहली दफा आए थे और बड़ा अच्छा उन्होंने मेहमान नवाजी की और अच्छा ये टूर्नामेंट हुआ और सब दोस्तों के लिए और जितने भी जिधर टीमों ने शिरकत की तो जितने भी हमारे दोस्त देखने के लिए हमें आए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे बहुत नेक तमन आए सब ऑर्गेनाइजर के साथ और जितनी भी इंतजामिया जितनी भी टीम है सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ऐसा टूर्नामेंट हो तो क्लैपिंग कर दें। करेंगे आप नौजवानों के लिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंतजामिया का जिन्होंने माशाल्लाह इस गांव में एक अच्छा टूर्नामेंट करा के ये वादा कर दिया है कि ये ग्राउंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बाद होगा। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब टीमों का जिन्होंने बहुत दूर से आकर हमारे गाँव में रौनक बख्शी और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट भी आए हमें और इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी बड़ा होगा और इंशाल्लाह इसी तरह टीमें भी ज़्यादा आएंगी और इंशाल्लाह हमारा तावन भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा इंतजामिया की तरफ से मुझे कुछ बताया गया है ग्राउंड के मामले में, एक तो दरख्तों के मामले में बताया गया कि साया नहीं है, प्रोग्राम जैसे गर्मियों में हुआ धूप बहुत ज़्यादा थी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम जो भी इधर दरख्त वगैरह का प्रोग्राम है क्रेन वगैरह लगा कर करेंगे वो इंशाल्लाह इंतजामिया के साथ हमारा तावन पूरा होगा। इसके अलावा मैं पादरी शकील साहब ने खसूसी तौर पर स्टेज के मामले में बताया कि जो स्टेज है वो बहुत ज़रूरी है, स्टेज हमारा है सही लेकिन कंप्लीट नहीं है, इंशाल्लाह हम इस पर भी जो भी अखराज आएंगे वो हम। क्या बात। इसके अलावा मेरा थोड़ा सा इनाम है इंतजामिया के लिए, इंतजामिया के लिए नाम क्लैपिंग करते सब। एक दफा फिर मैं सारे दोस्तों का भाइयों का शुक्रिया अदा करांगा, मेहरबानी जनाब साहब, बहुत शुक्रिया।